सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैटनिक्स डिजिटल मीडिया। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक स्मॉल बिजनेस के केस स्टडी पे, जो लोकल बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका लोकल बिजनेस है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपको कस्टमर गेन करने हैं, आपको मार्केट एक्सपेंड करना है, तो ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस होने वाले हैं। क्योंकि जब हमारी टीम एक स्मॉल बिजनेस से कनेक्ट हुई और उसको उनकी प्रॉब्लम समझ में आई, उनके क्वेश्चन समझ में आए, फिर हम लोगों ने उनको अच्छे से अच्छा आंसर सजेस्ट करा, अच्छे से अच्छा एक तरीका कि कैसे वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं, दूसरों से कैसे अलग कर सकते हैं अपने आप। पहला क्वेश्चन क्लाइंट का क्या था कि हाउ कैन आई गेट अ न्यू कस्टमर, या नया कस्टमर कैसे मिलेगा। मतलब समझ में नहीं आ रहा है, जो लोग हैं वो तो चलो ठीक है जानते हैं, लेकिन नया कस्टमर कैसे मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सपेंड कैसे करें मार्केट को कैसे एक्सपेंड करना है, किस तरीके से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके हम अपने प्रोडक्ट को। थर्ड क्वेश्चन, क्या कोई दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करें या पुराने वालों को ही हम अच्छे से आगे प्रोसीड करें। एट दैट मोमेंट आई आस्क द क्वेश्चन टू माय क्लाइंट कि यार आप ये बताओ कि पहले आप जो काम कर रहे हो वो और भी लोग कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या कुछ ऐसा अलग कर रहे हो, 10 ऐसे कोई रीजन है, 5 ऐसे कोई रीजन है जो आपको उनसे डिफरेंशिएट करे। क्योंकि अगर आप बात कर रहे हो न्यू कस्टमर गेन की या आप बात कर रहे हो मार्केट एक्सपेंड की, तो आप पर्टिकुलरली ब्रांडिंग पर कितना फोकस कर रहे हो, ब्रांडिंग आपको डिफरेंशिएट करेगी और लोगों से। तो मेरा क्वेश्चन उनसे यही था कि आपको ऐसी क्या चीजें हैं जो आप कुछ कर रहे हो ऐसा जो आपको डिफरेंशिएट करे। तो उनका जवाब था कि नहीं यार, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि हम कुछ ऐसा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और लोग भी हमारे जैसा बिजनेस कर रहे हैं और हम भी वैसे ही कर रहे हैं, जैसे वो कर रहे हैं वैसे हम भी कर रहे हैं। जो कस्टमर हमारे नसीब में लिखा है वो हमारे पास आ जाता है, जो उनके नसीब में वो उनके पास चला जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ पहले क्वेश्चन का मैंने क्या आंसर करा कि न्यू कस्टमर कैसे गेन करना है। न्यू कस्टमर गेन करने के लिए मैंने उनको सजेस्ट करा कि आप ऑनलाइन जाइए। ऑनलाइन में आप देखिए, लोकल बिजनेस के लिए गूगल प्रोफाइल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। वहां पे आपके रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपकी रैंकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग इज, आप लोकल लिस्टिंग पे जाइए, लोकल बिजनेस लिस्टिंग पे, जहां पे जिस भी सिटी में आपका या डिस्ट्रिक्ट में आपका बिजनेस है वहां की लोकल डायरेक्टरीज होती है, वहां पे अपने आप को आप रजिस्टर करिए, अपने बिजनेस को रजिस्टर करिए। आप अपने बिजनेस के लिए वीडियोज भी बना सकते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन द टाइम कि आप कितना टाइम अपने बिजनेस को ऑनलाइन के लिए दे सकते हैं। नाउ द सेकंड थिंग इज कि मार्केट को कैसे एक्सपेंड करें। मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए आपको पहले एक्सपेंड करना पड़ेगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है और वो कैसे काम करते हैं। फिर थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा अपने प्राइसिंग पे, ऑफर्स पे। आपको अपने प्राइसिंग थोड़े से स्लो डाउन करने पड़ेंगे। स्लो डाउन करने के बाद आपको ऑफर्स देने पड़ेंगे, ऑफर्स के साथ साथ, क्योंकि ऑफर्स ही होते हैं जिससे कस्टमर गेन होता है, कस्टमर आता चला जाता है आपके पास और आपका मार्केट एक्सपेंड होता चला जाएगा। आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है उसको फर्क पड़ता है ऑफर से, आप उसको क्या फायदा दे रहे हैं। तो अभी आपको शुरुआत में ऑफर रखना ही पड़ेगा। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज के न्यू प्रोडक्ट कुछ लॉन्च करें जिससे हमारे बिजनेस में कुछ ग्रोथ हो जाए, या फिर हम अपने एग्जिस्टिंग को ही मार्केट करें। इसमें देखिए दो चीजें, अगर आप, पहली चीज ये है कि अगर आप जो प्रोडक्ट और सर्विस में वर्क कर रहे हो उसी में अगर आप प्रोसीड करते रहते हो उसी में कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, दैट्स गुड एनफ, आप उसको प्रोसीड कर सकते हो। क्योंकि कस्टमर को हमेशा कुछ नया चाहिए होता है और आपको हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस लाने ही पड़ेंगे। देखो दूसरी चीज क्या है, अगर आप ये सोच रहे हो कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उससे आप थोड़ा सा डिफरेंट कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करके हो सकता है उसमें आप अच्छा कर जाओ, मेरा सजेशन ये है कि जो आप पहले कर रहे हो ना उसको पहले खत्म करो, उसको बहुत अच्छा बनाओ, उसके बाद दूसरे पर। तो अगर आपको प्रोडक्ट कुछ नया लॉन्च करना है तो जिस कैटेगरी में काम कर रहे हो, जिस नीच में काम कर रहे हो, जिस भी लोकल बिजनेस में काम कर रहे हो, उसमें अपना न्यू वैरायटी या न्यू कैटेगरी लॉन्च करने की कोशिश करो। तो आई होप तो ये तीन क्वेश्चंस आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे होंगे या फिर आपके सामने चैलेंज बन के आते होंगे। तो अगर आपको कस्टमर गेन करना है, सबसे पहले ऑनलाइन चेक करो कि ऑनलाइन कितनी प्रेजेंस आपने बना रखी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके बिजनेस को वन लेवल टू नेक्स्ट लेवल ले जा सकती है। उस पर आपको बस एक प्रॉपर ब्रांडिंग, प्रॉपर स्ट्रेटजी से वर्क करना है जिसपे आपको रिजल्ट मिलना
कंफर्म है कि आपको रिजल्ट्स उस पर मिलेंगे, आप उस पर प्रॉपरली स्ट्रेटजी से अगर वर्क करेंगे। आई होप सो कि आपको इस वीडियो में मजा आया होगा और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली केस स्टडी के साथ, और सब्सक्राइब कर लो यार इस चैनल को अगर नए हो तो, और अगर पुराने हो तो लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो अगर कोई दिक्कत आती है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।